नगर परिषद अध्यक्षा घुमारनी रीता सहगल ने कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। रीता सहगल ने नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर काबिज होने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पांचवीं बार लगातार उन्हें चुनने के लिए नगर परिषद की जनता का आभार व्यक्त करने के साथ साथ अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के लिए पार्षदों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण करना, लोगों व पार्षदों के सहयोग से नगर परिषद के विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सहगल ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए घुमारवीं के सीरखड पुराने पुल का क्षेत्र, टिकरी में हेलीपैड के क्षेत्र, कल्याणा में चेहड़, बजोहा में पार्क व घुमारवीं में सोसाइटी के साथ का क्षेत्र, मेला ग्राउंड, दकड़ी का पार्किंग क्षेत्रों का विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पुल पर आधुनिक लाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी, साथ ही नए पार्कों का निर्माण व बने हुए पार्कों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि टिकरी व कल्याणा वार्ड में सांझा बड़े स्तर के पार्क की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर लोग पैदल घूम सकें। उन्होंने सीपीएस व पूर्व विधायक राजेश धर्माणी का धन्यवाद किया, जिन्होंने बैडमिंटन कोर्ट व पार्क के लिए नगर परिषद को 1 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाया था, जिससे बकाया 50 लाख की राशि से अन्य स्थानों पर बैडमिंटन कोर्ट का पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र की सभी सीमाओं पर एंट्री गेट बनवाए जाएंगे व वन महोत्सव के दौरान सीमाओं पर आर्नामेंटल प्लांट लगाए जाएंगे। नगर परिषद के कार्यालय व रेहन बसेरा का नवीनीकरण कर कार्यालय में अंगतुकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई कर पीने योग्य पानी के लिए विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां स्ट्रीट लाइटें नहीं पहुंचती, वहां सोलर लाइट लगवाई जाएगी। शहर की कुछ स्थानों पर हाई मास्क लाइट लगवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में पिछले काफी समय से कूड़ा मेला ग्राउंड के पास इकट्ठा किया गया था, जिसे प्रशासन, नगर परिषद उपाध्यक्ष और अन्य पार्षदों के सहयोग से उसे वहां से हटाकर बद्दी बेच दिया गया। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के लिए अलग ड्रेस कोड बनाया जाएगा तथा उन्हें नगर परिषद की ओर से ड्रेस उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के हर घर को सीब्रिज से जोड़ा जाएगा। ग्रेडिंग या लेवल की समस्या को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में सीब्रिज के छोटे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। आजकल सीब्रिज का काम चला हुआ है, जिन लोगों ने सीब्रिज का कनेक्शन नहीं लिया है वे आईपीएच विभाग का आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई हर घर में सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए हर वार्ड में पानी के ओवरहेड टैंक बनवाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र के लिए बिजली की वोल्टेज को देखते हुए नसबाल में बिजली की सप्लाई के लिए 33 केवी सबस्टेशन को 132 केवी किए जाने व शहर में बड़े स्तर के ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए सरकार व संबंधित विभाग से मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में बहुत सी जगह बिजली की तारें लोगों के घरों के ऊपर आ गई हैं, इसके लिए अंडरग्राउंड केबल तार डालने के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा। शहरी क्षेत्र में सर्कुलर रोड से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। हर कॉलोनी को पक्के रास्तों की व्यवस्था और गंदे पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए शहर में स्थानीय लोगों के सहयोग से वाटर कूलर स्थापित किए जाएंगे। नगर परिषद क्षेत्र में जहां भी जरूरी है सुलभ आधुनिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में हर वार्ड में नगर परिषद आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर ही निवारण किया जाएगा। हर वार्ड में कैंचुआ पिट बनाए जाएंगे, जहां कूड़े कचरे से खाद बनाई जाएगी। जहां सूखा व गीला कूड़ा अलग अलग लिया जा रहा है, वहीं कांच दवाइयां अलग अलग ली जाएंगी। लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि इन्हें अलग अलग रखकर परिषद के कर्मचारियों को दें। कूड़े की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका स्थायी हल निकाला जाएगा, ताकि वातावरण को साफ रखा जा सके। बरसात से पहले सभी नालों की सफाई की जाएगी। शहर की आबादी बढ़ने के साथ साथ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए मीट मार्केट के साथ पार्किंग बनी है। रेन बसेरा के पास पार्किंग का कार्य प्रगतिशील है। सभी वार्डों में छोटे छोटे स्तर पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर 3-4 गाड़ियों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इनकम बढ़ाने के लिए नगर परिषद नई दुकानें बनाई जाएंगी, और जिन दुकानों का किराया वर्षों से लंबित है उन्हें खाली करवाकर जरूरतमंद लोगों को दुकानें किराए पर दी जाएंगी। हाउस टैक्स देने के लिए परिषद द्वारा 31 अप्रैल तक 10% की छूट दी गई है। इसके लिए शहर के लोगों से आग्रह किया है कि वे टाइम पर अपना हाउस टैक्स जमा करवाएं। शहर में युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस जिम की व्यवस्था की जाएगी। सहगल ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा घुमारवीं अस्पताल के समीप फुटब्रिज का शिलान्यास करने व धन उपलब्ध करवाने के लिए आभार व्यक्त करने के साथ तथा शहर के सौंदर्यीकरण करने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से धन उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। बनाए जाएंगे जहां पर कूड़े कचरे से जो है खाद बनाई जाएगी।
लोगों से आग्रह है कि जैसे लोग सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग दे रहे हैं, उसी तरह जो है कांच की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं व दवाइयाँ अलग अलग रखें, जिन्हें जो है नगर परिषद के कर्मचारी अलग अलग तिथियों पे लेंगे। नगर परिषद की सीमाओं पर जो है एंट्री गेट लगाए जाएंगे, वन महोत्सव के दौरान ऑर्नामेंट प्लांट लगाए जाएंगे, शहर से भांग हटाकर वहां पर फूल लगाए जाएंगे, नगर परिषद के कार्यालय और रहन बसेरा नवीनीकरण कार्यालय में वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी, शहर के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई करके जो है पानी पीने योग्य विकसित किया जाएगा। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के लिए अलग ड्रेस कोड की व्यवस्था की जाएगी। पानी की सप्लाई जो है हर घर तक सुचारू रूप से पहुंचे, इसके लिए जो है हर वार्ड में ओवरहेड टैंकों की व्यवस्था करवाई जाएगी। बिजली के वोल्टेज को देखते हुए ट्रांसफार्मर, बड़े स्तर के ट्रांसफार्मरों को लगाए जाने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दिए जाएंगे। जहाँ भी बहुत सी जगहों पर जो है बिजली की तारें लोगों के घरों के ऊपर आ गई हैं, इसके लिए अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए सरकार को प्रपोजल भेजी जाएगी। शहरी क्षेत्र को एक सर्कुलर रोड से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। सहगल अपने सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुझे पांचवीं बार नगर परिषद में चुनकर भेजा। मैं अपने सम्माननीय सभी पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे फिर से अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मैं सभी को विश्वास दिलवाती हूँ कि मैं आपके अनुरूप आपके सहयोग से कार्य करूँगी। नगर परिषद के में सौंदर्यकरण को लेकर के जो है कुछ एरियों को डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर पार्क बने हैं उनको डेवलप करने के लिए उनमें बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी। बच्चों के लिए झूले व स्लाइडर की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पर बच्चे खेल सकें, और एक बड़े स्तर का जिम भी स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर बच्चे अपना जो है अभ्यास कर सकें। एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। पार्किंग के लिए जो है हर वार्ड में छोटे छोटे स्तर पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। रैन बसेरा में पार्किंग का काम चला हुआ है। मीट मार्केट में एक पार्किंग पहले से बनी हुई है। लोगों से आग्रह है कि जहां पे स्थान चिन्हित है वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी करें। रेडी फड़ी के लिए जो है अलग से व्यवस्था की जाएगी। स्ट्रीट लाइट जहां पर नहीं पहुंचती है वहां पर जो है सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। शहर में दो तीन जगहों पर जो है हाई मास्क लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। कूड़े की समस्या को देखते हुए इसका स्थायी हल निकाला जाएगा।